नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीलास किचन में आज एक बहुत ही सिंपल रेसिपी बन रही है। पोहा। पोहा हर घर में बनता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से वेरी क्विक पोहा बना रहे हैं, जो कि मेरे गेस्ट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे घर में भी बहुत पसंद किया जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल पोहा। आइए बनाते हैं। ये हमने एक बोल पोहा लिया है। देखिए, पोहे को हमने अच्छी तरह से धो के इसको भिगो दिया और अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। ये हमने कढ़ाई दी, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला। आप रिफाइंड तेल का तेल, मूंगफली का तेल, जो आपका मन करे वो डाल सकते हैं। और थोड़ी सी डालेंगे राई, करी पत्ता और अनियन। करी पत्ता बहुत ज्यादा उछलने लगता है, इसलिए मैं साथ ही अनियन डाल देती हूँ, जिससे वो ज्यादा उछले नहीं। इसी में साथ ही डाल दी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर किसी को तीखा लगे तो हरी मिर्ची की खुशबू बहुत अच्छी रहती है, इसलिए थोड़े बड़े साइज में रख दीजिए और उसके बाद आप निकाल दीजिए। प्याज को थोड़ा सा बस कलर चेंज होने तक ही पकाएंगे हम, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा प्याज हमारा। इसमें हमने डाल दिया ये कटा हुआ टमाटर, बड़े साइज का टमाटर है, आप कम या ज्यादा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची। ये देखिए थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आप पोहा इसमें मिक्स करेंगे। ये एक नींबू का जूस हमने डाल दिया इसमें, थोड़ी सी डालेंगे इसमें चीनी। ये पीसी हुई चीनी है, इसलिए थोड़ी सी मैं ज्यादा डाल दी हूँ। साबुत आप डालेंगे तो थोड़ी कम डलेगी, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर ये वाला पोहा हल्का सा मीठा ज्यादा टेस्टी लगता है। ये वाला जो पोहा है, ज्यादा खिला खिला पोहा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। इसे जो सर्व करेंगे ना, वो भी इसकी गार्निशिंग है ना, वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए पोहा हमने इसमें सर्व कर दिया। मैंने अभी आपको बताया इसकी गार्निशिंग बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब बताओ जरा, गार्निशिंग भी कभी टेस्टी होती है? हाँ जी, ये जो पोहे बन रहे हैं ना, इनका टेस्ट इनकी गार्निशिंग से ही बनेगा। देखिए जरा, थोड़ा सा हम डाल रहे हैं ये दरदरा किया हुआ रोस्टेड पीनट, हरी धनिया, और बहुत ही स्पेशल जो गार्निशिंग है वो होगी अनार से। अनार का जो टेस्ट है ना, वो इन पोहों में बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही ज्यादा। लास्ट में आती है सेम भुजिया, ये हम इस पर भुजिया डालेंगे। ये जो पोहा है ना, एक बार बनाया ना, आपके घर में बच्चे भी बड़े भी रोज कहेंगे कि बस वो पोहा बना लो, और बहुत ही जल्दी तो बनता ही है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं सुशीलास किचन में एक नई रेसिपी के साथ।